मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें नई फैक्ट्री में अपना पार्टनर बना लूं। ताकिर भाई, मैं और आपका पार्टनर? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे ताकिर भाई, आप हुक्म करें। तुम्हारी साली है ना रमशा, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। तुम और आयमा बात कम करते हो और लड़ते ज्यादा। मेरी झगड़े करने वाली नेचर नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी बात ना समझे मैं इरिटेट हो जाता हूँ। और इस मामले में आयमा बहुत स्टूपिड है, एक्चुअली थोड़ी डम है, उसे समझने में टाइम लगता है। अगर उसने घर से भागकर तुम्हारे देवर के साथ शादी कर ली तो मैं और सकलेन किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। आप जानती है रमशा ऐसी नहीं है। तुम्हारा देवर तो ऐसे ही है ना? अम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोला ना मेरे पास नहीं है पैसे। अम्मी थोड़े से पैसे, कौन से ज्यादा पैसे मांग रहा हूँ मैं आपसे, क्या हो गया आपको? भाई जी, भाई तुम समझते क्या हो खुद को? क्या हो गया तुम्हें? मैंने अभी कहता ना मैंने तुमको, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? अरे कोई मुझे बताएगा इसने क्या की है जिंदगी में? मैंने हर बार तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया, तुम्हारी हर गलती को इग्नोर किया है, ये सोचकर कि तुम उम्र के उस हिस्से में हो कि बेवकूफियां गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तुमने तो अपनी लिमिट ड्रॉ कर दी है। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मुझसे बात करो। क्या बात है, क्यों मारा तुमने इसे थप्पड़? रमशा को भगाने की प्लानिंग कर रहा था ये। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो क्या सकलेन भाई झूठ बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन इसने रमशा को कहा कि वो इसके साथ भाग चले और ये निकाह कर लेगा उससे। भाई वो बात ऐसी थी कि अरे कमबख्त, अभी जमीन से उगा नहीं है और लड़की को घर से भगाने की बात कर रहे हैं। अम्मी वो चुप हो जाओ, अरे दो थप्पड़ मैं मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। मना किया था ना मैंने उस दिन कि मानूर के बहन से दूर रहना, फिर क्यों मिले तुम उससे? रमशा को दलील करवा के छोड़ा इसने, उसकी पढ़ाई पर भी पाबंदी लगवा दी है। अरे वो तो अच्छा हो गया, वो कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है, मेरे बच्चे को ही फंसा रही है। आंटी प्लीज, मैं रमशा के बारे में एक बात नहीं सुनूंगी। माहिर ने रमशा को फंसाया है और मैं माहिर को रोकने की जान तोड़ कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। और अब रमशा को ये मशवरे दे रहा है कि घर से भागकर शादी कर लेते हैं। क्या मैं पीछे पड़ा हूँ? भाभी वो कोई दूध पीते बच्ची नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करती है। अरे मैंने कहा ना चुप कर जाओ, मुंह तुड़वाओगे मुझसे। मेरा ख्याल है कि आपकी बात नहीं समझ रहा है, हमारे डील का गलत फायदा उठा रही है। बस कर जाओ बेटा, बस कर जाओ। समझाऊंगी मैं इसे, आइंदा पलट कर नहीं देखेगा रमशा की तरफ। मम्मी इसके हक में यही बेहतर है, आप जानती हैं मैं कितना दलील होकर आ रहा हूँ इसके घर से। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए सकलेन ने इसके लिए? रे उससे तो खुदा वास्ते का बहरे, तुमसे मौका चाहिए तुमसे लड़ने का बस। हाँ मगर उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है, सही कह रहा था वो इसके बारे में, लफंग है ये। कोई भी शरीफ खानदान का इंसान किसी भी बहन बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोचता, वो उसको भगाने की बात नहीं करता कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। क्यों नहीं बाज आते, मना किया था ना उस दिन तुम्हें। डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी वजह से जलील कर रही हैं। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। इधर देखना, उस दिन मुझे बेवकूफ बना रहे थे मानूर की बात में कि बस वो मेरी दोस्त है, शादी कहां से निकल आई? और तुम शादी करोगे? औकात है तुम्हारी?
पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, काम करने से तुम्हें मौत पड़ती है। अम्मी अब बस भी करें आप। मैं बस कर दूं, तुम बस ना करना। तुमसे तो मुझे जलील करने का ठेका उठा रखा है। हानूर और फराज के सामने इसे शर्मिंदा करवा दिया। बेचारा मेरा बच्चा उस कमबख्त सिकलैन की बकबक सुन के आ रहा है। अगर खुदा ने खास्ता झगड़ा बढ़ जाता तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम। ये फितूर अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। इससे मोहब्बत और इश्क जो जोश मार रहा है ना, इसे संभाल कर रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तुम्हारी बहन की शादी के बारे में सोच रही हूँ और तुम्हारे तमाशे शुरू हो गए। कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। पर खुरदार चले शादी करने, वो भी भाग कर। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। फराज, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि ये सब जो हो रहा है उसकी वजह मेरा छोटा भाई है। हाँ, लेकिन इस सब में आपका क्या कसूर है? आपके दाह अगर बिल्कुल, अरे माहिर अगर बेवकूफी कर रहा है, तुम्हारी बहन के दिमाग में फितूर है, तो भला इसमें फराज की क्या हालत है? सिकलैन इसे क्यों बुरा भला कह रहा है? मैं आप प्लीज छोड़ देना इस बात को। अरे कैसे छोड़ दूं मैं? अरे उसे तो मौका चाहिए होता है तुमसे लड़ने का। हर बार मुंह उठाकर तुम्हारी बेइज्जती कर देता है। बेइज्जती सिर्फ मेरे अकेले की नहीं हुई है, माहिर की बेवकूफी की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी। अरीबा आप और सतलैन ने मानूर को भी कम बातें नहीं सुनाई हैं। हेलो, हम मानूर ने क्या बिगाड़ा है उन लोगों का? अरे ये तो उल्टा माहिर के पीछे पड़ी हुई है, अपनी बहन की सारी बातों पे पर्दा डाल के माहिर को मुजरिम बना रही है। तो बताओ धनी कैसे हैं इसके घर वाले? हम ये अब जरा यही बात आप अपने ऊपर रखकर सोचें। हमारे घर में भी एक बेटी है, बहन। फराज, इसकी बहन का मुकाबला मेरी बेटी से मत करना। रमशा मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहन की तरह, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आयमा मेरी बहन। माहिर ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वो रमशा को भगा दे? नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। उसे हीरो बन के कह दिया होगा, समझा दिया है मैंने उसे। बेटा तुम भी अब इस बात को खत्म करो, तफा करो, किस्सा खत्म करो ना। बेटा इसको ठंडा पानी पिलाओ ताकि इसका गुस्सा कुछ काम हो।
हेलो मायन, मैं रमशा बात कर रही हूँ। रमशा यार, ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया? तन्वी जानते हो, सब उल्टा सीधा हो गया। आप ही नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी पे भी जाने पे भी पाबंदी लगा दी है। हाँ जानता हूँ, तुम्हारी बहनोई ने बात का पतंगा बना दिया है। क्या मतलब? तुम्हारी कोई बात हुई फराज भाई से? बात? भाई से झगड़ा हो गया है मेरा। तुम्हारी बहन ने वो पटांग जो इंजाम लगाया है ना मुझ पे अम्मी और भाई के सामने, तुम सोच भी नहीं सकती हो। अभी ने? हाँ, फराज भाई और अम्मी ने दोनों ने जिंदगी में पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ कुछ सोचकर, फिलहाल तो यार मैं खुद भी बहुत अपसेट हूँ। देखो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना और मोबाइल अपने पास रखना, ये ना हो कि ये मोबाइल तुम्हारे घर वालों के हाथ आ जाए और मेरा तुमसे कॉन्टेक्ट ना हो सके। तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना फोन बहुत संभाल के अपने यहाँ कहीं छुपा के रख दूंगी और आप ही के हाथ में नहीं लगेगा। बाय। चलो ठीक है, ओके। फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ वो तो नहीं है। दो मुझे जल्दी, कहाँ रखा है निकालो। वो आपको याद है उस दिन स्क्रीन टूट गई थी तो मैंने सुबह रिपेयर के लिए दे दिया। सखलैन भाई ने पैसे दिए थे ना मुझे। आज अगर अम्मी जिंदा होती ना तो तुम्हारी वजह से उन्हें हार्ट अटैक जरूर हो जाता। मेरी जिंदगी को आसान बना दिया तुमने। क्या हुआ, फोन दे दिया उसने? कह रही है कि फोन रिपेयर होने गया है, उसकी स्क्रीन टूट गई थी। मगर वो तो अच्छा ठीक है। अच्छा उसके पास फोन नहीं है, इसी बहाने वो उस भाई से तो बात नहीं कर सकेगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। कर देंगे शादी, रिश्ते कौन से पेड़ों को लटके होते हैं, ढूंढने में टाइम लगेगा ना। यास्मीन खाला से कहती हूँ मैं, अम्मी ने भी मानूर के रिश्ते के बारे में उन्हीं से कहा था। वैसे एक बात बताओ, मानूर के लिए वो कितने रिश्ते लेके आएंगे? जहाँ तक मुझे याद है हर हफ्ते 3-4 हजार रुपए लेके चली जाती थी और एक रिश्ता तक मिला सकता। उस वक्त मानूर का क्या इशू था आप जानते हैं। तुम्हारी मौसूफा भी दूध की धुली भी नहीं है, पूरे मोहल्ले में बहुत नेकनामी है इनकी। याद है वो खत वाला मामला? पहले एक लड़का बहन के पीछे लगा के रखा मुझे, उसके बाद 2 दफा इस घर में कोई कूदा है, शीशा तोड़ के चला गया और यूनिवर्सिटी में तो अलग ही सीन चल रहा है। तुम्हारी दोनों बहनों ने आफत मचा के रखी हुई, शर्म आती है मुझे, दिल करता है चुल्लू भर पानी में डूब मरूं।
आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? तो और किस तरह से कहूं? एक बार सोचो, अगर नहुशा माहिर के साथ भाग गई तो क्या करेंगे? सोच कर देखो, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं ना खुदकुशी के अलावा, क्योंकि दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे, क्योंकि हम सबके सामने हमने रमशा की जिम्मेदारी खुद ली थी। सोचो। किसे फोन करेंगे? अरे बाप रे, को रमशा का भी नहीं पता कहाँ है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे हैं सब। और सकलैन भाई ने भी, सुबह आपका एग्जाम है, मेरे ख्याल से अब आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। रमशा की खैरियत कल पूछ लीजिएगा। लेकिन फराज में मानूर, कल आप एग्जाम दे रही हैं और ये बात डिसाइडेड है, आप प्लीज लेट जाए और सोने की कोशिश करें। आंटी, आज मेरा एग्ज़ाम है, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत इंतज़ार भी किया है, थोड़ी सी नर्वस हो, आप प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह कामयाब करे। तुम अम्मी, मैं मानूर को ड्रॉप करके आता हूँ। बेटा नाश्ता? अब वो मैं आके कर लूंगा। अरे क्यों खाली पेट लेकर जा रहे हो, इसको क्या पर्चा देगी भूखी बच्ची? मैं वहीं कुछ खा लूंगी। आप बैग ले लें, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बहू की, वो भी इतने झगड़े के बाद। मुझे तो लग रहा था भाभी की वजह से आपका डबल मूड खराब हो जाएगा। आखिर फराज भाई ने माहिर को भाभी की वजह से तो थप्पड़ मारा था। माहिर पर हाथ फराज ने उसके करतूतों की वजह से उठाया है। अगर यही दो तीन उसे पहले पड़ जाते ना, तो ये नौबत ना आती। मैं आपसे कहती थी ना कि आप माहिर को कंट्रोल करें। सब मेरा ही कसूर है। अरे कैसे करूं मैं उसको कंट्रोल? अब गला तो मैं काट नहीं सकती, औलाद है और वो भी लाडली। इस लाडली औलाद ने मुझे तो बहू के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे आहिस्ता बंद करो दरवाजा, तुम्हारे अब्बा नहीं बैठे जिंदा जो नया लगवा कर देंगे। उसे देखो निकाल रहा दरवाजे पे। खुद तो तौफीक है नहीं कि कुछ बना कर दे, बस तोड़ फोड़ करा लो इससे। जाओ जाकर उसे खाना वाना पूछो, हमारा गर्दी करके आया और पूरी रात मेरी जान अटकी रही है इसकी वजह से। सलमा माजी, रमशा से बोलें कि आकर नाश्ता कर ले। ठीक है। रुको, अरे मैं नाश्ता कर लूं उसके बाद उसको बुला लें, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। प्लीज सकलैन, आप रमशा पर इतना गुस्सा मत करें। ये अचानक से तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी कैसे होना शुरू हो गई कि तुमने वकालत ही शुरू कर दी उसके? अब आगे क्या करना है वो भी बता दो मुझे। यकीन उसे यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहां जाएगी, उस लड़के माहिर से मिलेगी, फिर जब मौका मिलेगा तो दोनों भाग के शादी कर लेंगे। नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती।
मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आप रमशा से इतना खफा मत हो। हम सब ने कल उनसे बातें सुनाई है ना, डांटा है, मैंने उस पर इतना गुस्सा किया है। छोटी बहन है वो मेरी, छोटे तो गलतियाँ करते हैं ना, और बड़ों का काम है उन्हें माफ़ कर देना। ठीक है, जाओ भाई बुला लो उसको, नाश्ता कर ले। जी अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, छोटी बहन है तुम्हारी, मेरी भी तो छोटी बहन है। वो अलग बात है, उसने हमेशा मुझे जलील ही किया। चाय? इसकी जरूरत नहीं है, हो गया मेरा नाश्ता। मानो मेरी माँ को, सबको, इस औरत ने अपना हिमायती बना दिया है। मामी क्या है, नाश्ता करोगे? मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे कमरे से। बदतमीज इंसान, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक तो मैं तुमसे नाश्ते का पूछने आई हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, कहाँ ना यहाँ से चली जाओ, तो चली जाओ, बाहर में जाओ, भूखे मरो। रमशा बाजी, आपको सकलेन भाई और बाजी बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? नाश्ते के लिए। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता, बल्कि हो सके ना मुझे थोड़ा सा जहर ला दो, वो ही खा लूंगी मैं। सलमा बाजी जी, आप जाएं सकलेन को दूसरी चाय बना दें, पहले वाली ठंडी हो गई है। ठीक है, जाइए। तुम अपनी हठ धर्मी से बाज नहीं आओगी? चोरी करके सीना जोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहां पर सकलेन को समझा रही हूँ, मिन्नत कर रही हूँ कि मेरी बहन से खफा मत हो, और तुम्हारे नखरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मेरी क्या मजाल कि मैं आप लोगों को नखरे दिखाऊं? मैं तो खुद फंस कर रह गई हूँ, अपने ही घर में कैद हो गई हूँ, और ऊपर से आप दोनों इस घर पे कब्जा करके बैठ गए। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? हम मजबूरन तुम्हारी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हें याद नहीं उस रात रो रो कर तुमने हमें यहाँ बुलाया, जब वो तुम्हारा पुराना आशिक कोई इस घर में आ गया था? मेरा आशिक? हाँ, तो और कौन था न, जिसने चोरी की न डाका डाला और घर में घुसाया। वो पहले लड़के भी तुम्हारे ही पीछे आते थे ना, और तुम अपने वैन के पीछे भी उनको लगा लेती थी, और वो जो घर में खत आया वो तुमने और महनूर ने मिलकर खूब गंद मचाया हुआ था। मैं और सकलेन अगर इस घर में रहने ना आते तो मुझे तो कभी पता ही ना चल पाता कि तुम किस डगर पे चल रही हो। आप ही आप मुझ पे बिना वजह इल्जाम लगा रही है, मेरा कोई बस बस वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतरी इसी में है कि तुम घर बैठो, समझी? मुझे और सकलेन को यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, अगर हम यहाँ पर हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, मजबूरी है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसे आप लोगों ने इस घर में कैद करके रखा हुआ है। जी एग्जाम हो गया। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है,
वाकई नहीं, मैंने इसलिए कॉल नहीं की कि आप मुझे पिक कर लें, मैंने कैब बुक कर ली है। आप आराम से ऑफिस में काम करें। अच्छा वो मैं कह रही थी कि मैं अरिबा आपी से मिलने घर जा रही हूँ, फिर मसला तो नहीं है, मैं आ जाऊँगी। साथ वो ले गया तूने सोचा नहीं, अब हम करेंगे क्या। ताफिस दिल तोड़ के क्या तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। मानो ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। पास से आप हेलो हेलो, अब कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। मुझे तो बहुत स्ट्रेस, लेकिन डिप्रेस नजर आ रही हो। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं हो सकता मारो। मैं तुम्हारी आंखें देख के बता सकता हूँ कि तो आज मेरे सीएसएस का पहला एग्जाम था। एग्जाम्स का प्रेशर और स्ट्रेस को आप समझ सकते हैं ना, सारी रात की जागी हुई हूँ शायद इसी वजह से। ओह गुड, तो फाइनली तुम अपने एग्जाम में अपेयर हो ही गई। जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मानो तुम कैसे जाओगी? मैंने कैब बुक की है, बस गाड़ी आती होगी। तुम कैब को कैंसिल करवाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। मानो थोड़ा सा तो वक्त दो, अपने महीनों के बाद मिले, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बात से देखते हैं। अपना फैसला बदल लिया मानोश, और मैंने तुम्हारे फैसले को सर आंखों पे रखा है। क्या मुझे 10-20 मिनट भी स्पेयर में नहीं मिल सकता? आप शायद भूल रहे हैं, मेरे और आपके रास्ते बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। इन सब बातों का आप कोई मकसद हो, आप जा सकते हैं। भैया आप कितनी देर है, मैं काफी देर से वेट कर रही हूँ। क्या मतलब ट्रैफिक जैम है, दूसरी गाड़ी बुक कर लूं? ठीक है, मैं ये राइड कैंसिल करके दूसरी गाड़ी बुक कर ले। ओके। क्या हुआ? वो आई थिंक ट्रैफिक जैम है, इस वजह से कैब को देर हो गई, लेकिन गलती मेरी है, मुझे गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी। यहाँ से तो रिक्शा भी नहीं मिलेगा, पर खैर है, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ। प्लीज मानो, तुम कब तक यहाँ टैक्सी रिक्शा का वेट करती रहोगी? अगर ट्रैफिक जैम है तो दूसरा ड्राइवर भी लेट ही आएगा ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं वासिफ, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है, मगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं लेकिन प्लीज, लेट मी गिव यू राइड, कम ऑन। Can't this take it? आशिर कैसा? आशिर? आशिर ही नाम है तुम्हारे हस्बैंड का।
आज तक याद है मुझे। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड की थी जिसका जवाब देना तुमने जरूरी नहीं समझा। जी, क्योंकि आपने कहा था कि अगर कभी मुझे आपकी जरूरत पड़े तो मैं आपसे कांटेक्ट करूं। इसका मतलब है कि तुम्हें आज तक मेरी जरूरत नहीं पड़ी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आशर कैसा है, क्या करता है? तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो, कुछ करती हो या हाउसवाइफ हो? मेरे हस्बैंड का नाम फराज है। आशर ने शादी से 2 दिन पहले मुझे डिवोर्स दे दी थी और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट से जॉब कर रही हूँ। फराज मेरे कुलीग हैं। पर मेरे बारे में छोड़ें, तो आप बताएं, आप यूएस से कब वापस आए और शादी हो गई आपकी? इसी मंथ आया हूँ, अपनी स्टडीज कंप्लीट करके। शादी मैंने अभी तक नहीं की। क्यों? क्योंकि आज तक मैं तुम्हारा ही वेट करता रहा। बस मेरा घर आ गया। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। थैंक यू, ताफ़स। मानो। जी। फिर मिलोगे? नहीं। ये कौन था जिसने मानोर को ड्रॉप किया है? अरे, ये तो वासिफ है। ये क्या सीन है भाई? मानोर वासिफ के साथ? रमशा कैसी है? कैसी होगी? हमसे पूछो हम कैसे हैं। आप ही बस कर दें, हर बात पर हाइपर होना छोड़ दें। रमशा को आपने घर पे रोक लिया है, माहिर को आंटी ने बहुत डांटा है, बस भूल जाएं अब इस बात को। तो क्या तुम ये बात कह सकती हो? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तुम इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। सकलेन भाई, मैं मानती हूँ कि रमशा से गलती हुई है। उसे माहिर से यूनिवर्सिटी में एक लिमिट तक रहना चाहिए था। लिमिट कैसे रखती है भाई? तुम्हारी तरफ से शय जो मिली हुई थी। मैंने उसे कभी कोई शय नहीं दी, बल्कि मैंने उसे हमेशा समझाया है। और आप मुझ पर... अच्छा बस ठीक है, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो कह देती ना। अभी भी तो कर ही लिया ना मैंने कंट्रोल, कुछ ना कुछ करके। मेरा ख्याल है कि बजाय ये सारी बातें करने के हमें रमशा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो छोटी है, नादान है, गलती कर सकती है। हम बड़े हैं, उसके बारे में सोचना तो हमें ही है ना। हाँ, इस वक्त इस बात का यही हल है। हाँ वैसे एक रिश्ता है तो सही मेरे पास, लेकिन नहीं, उम्र में थोड़ा सा बड़ा है। नहीं नहीं, हमारी रमशा की शादी हम ऐसे थोड़ी ना करवा देंगे, देखभाल कर करवाएंगे। लड़का अच्छा होना चाहिए, सुलझा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, लड़का तो अच्छा ही होना चाहिए। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए। फराज और माहिर से कहीं ज्यादा उम्दा।
पढ़ा लिखा, वेल ऑफ, वेल सेटल्ड, तहजीब, सब कुछ होनी चाहिए उसमें। एक कामयाब इंसान होना चाहिए। तुम्हारा दोस्त था ना, क्या नाम था उसका, वासे? बिल्कुल उसी तरह का लड़का ढूंढते हैं आप रमशा के लिए। क्यों इस वक्त वासे कैसे याद आ गया आपको? बस ऐसे ही बैठे बैठे उसका ख्याल आ गया। काफी वेल ऑफ फैमिली से था। क्या फायदा ऐसा वेल ऑफ होने का जिसमें वफा ही ना हो? आपने देखा नहीं था शादी से पहले मानूर को? हाँ हाँ याद है। बस इतनी सी कमी रह गई थी। मेरा मन आपसे कोई बात नहीं करनी है। बजाय अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के तुम उल्टा मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। क्या गलती की है मैंने? कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं माहिर से मोहब्बत करती। खुदा का वास्ता है, बंद कर दो ये बात। नहीं है वो तुम्हारे लायक, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? फराज भाई आपके काबिल है लेकिन माहिर मेरे लिए सूटेबल नहीं। क्यों, क्या चाहती है आप? क्यों कर रही है आप इस तरह मेरे साथ? तुम्हें पता है मसला क्या है? तुम फराज को आइडियलाइज करके माहिर को देख रही, जबकि माहिर और फराज दो अलग अलग लोग हैं। माहिर फराज जैसा नहीं है। जी नहीं, मैं माहिर को आइडियलाइज करती हूँ, वो मेरा आइडियल है। उसके बावजूद भी माहिर का फराज से कोई मुकाबला नहीं। अभी वक्त मेरी बात समझ जाओ, माहिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। अभी भी तुम्हारी पढ़ाई छूटी है ना, घर पे बैठी हो ना। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये सब नहीं होता। खुदा का वास्ता है रमशा, मेरी बात समझ जाओ, ये सब मत करो। क्या समझाना चाहती हैं आप मुझे? घर में कैद करके रख दिया, यूनिवर्सिटी मेरी बंद कर दी है, क्या करूं मैं, मर जाऊं? ऐसा नहीं कहता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों मेरी दुश्मन है। अम्मी जब से इस दुनिया से गई आप लोगों ने तो पता नहीं क्या सलूक करना स्टार्ट कर दिया मेरे साथ। क्या सलूक हो रहा तुम्हारे साथ मुझे बताओ कि सर। अरे भाभी रहने दे। क्या रहने दूं? बताओ मुझे, ड्रामे कर रही है, बदतमीजी कर रही है। अम्मी होती ना तो तुम्हारे मुंह पे दो जूते लगाती। जरा शर्म हया नहीं है तुम्हें? बाहर बड़ा बहनों भी बैठा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अपने ही शौहर के सामने मुजरिमों की तरह नजरें झुकाकर रहती हूँ। क्या मेरी जिंदगी में पहले मसले कम थे जो तुम्हारा ये सब करना बहुत जरूरी था? आप तो रिलैक्स हो जाएं, इस तरह से रोए मत। तुम तो मेरा दुख जानती हो ना? मैं जानती हूँ। हर वक्त इस आग में जलती रहती हूँ, जब अपनी खाली गोद देखती हूँ तो तड़प जाती हूँ, और अब इसके तमाशे। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, संभालो इसे। My name.